हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। और एक डिस्कशन करनी थी आपसे कि शमशेरा का अभी अभी एक टीजर सा आया है, काफ़ी बढ़िया आया, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। लोगों ने बोला कि यार ये तो सारी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं घूम फिर के रणबीर कपूर के ऊपर ही आ गई है कि पहले शमशेरा आएगी, फिर उसके बाद आपकी ब्रह्मास्त्र आएगी। तो बॉलीवुड या फिर हिंदी सिनेमा जो नेगेटिव जोन के अंदर अभी जा रही है, उसको वापस लाने का जो काम है, मेरे ख्याल से रणबीर कपूर करने वाले हैं। इस तरीके की कुछ पॉजिटिव बातें चल रही थी, जिस तरीके की लुक एंड फील और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर हमें साउथ की मूवीज में पसंद आता है, वो हमें यहाँ दिखा। हमें एक पर्पस दिखा एक इंसान का जो ना इंसाफी के खिलाफ लड़ रहा है। तो काफ़ी सारे टिक मार्क थे इसके अंदर और काफ़ी गहराई थी बात के। चाहे मैं डकैत तो हूँ, मैं आज़ाद हूँ, और मैं आज़ाद इसलिए हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी जात पात नहीं देखूँगा, और अगर कोई पीड़ित है तो उसको मैं बचाने आ जाऊँगा। इसको बोलते हैं लिबरल और सेकुलर। लिबरल और सेकुलर लोग इस तरीके के लोग हुआ करते थे जिनको लोग पॉजिटिव नज़र से देखा करते थे। आज की डेट में पता नहीं कुछ लोगों की नेगेटिविटी की वजह से ये सेकुलर और लिबरल होना मतलब कोई पाप सा हो गया है। इसका मतलब है कि आप हमारा ही धर्म मानो, हमारे ही चीज़ों के बारे में सोचो, दूसरे को ह्यूमन ना समझो। ऐसा तो हमारे धर्म में भी नहीं लिखा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे धर्म में ये बोला है कि सिर्फ अपना ही धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, अपनी ही मान्यता सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, उसके अलावा कुछ सर्वश्रेष्ठ है ही नहीं है। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा अभी तक, और अगर ऐसा कहीं लिखा है तो मुझे वो ज़रा स्निपेट दो, ज़रा मैं देखना चाहता हूँ कि क्या लिखा है। दूसरा, हर चीज़ के अंदर ये हिंदुत्व तो टीका फीका ये सब चीज़ें बातें करना, ये मुझे तो समझ में आता नहीं कि ये क्यों करते रहते हैं। मतलब थोड़ा सा इलॉजिकल सा मुझे अब लगने लग गया है कि आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ, शायद आपको उससे समझ में आएगा। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि आप हिंदुइज्म को प्रमोट करना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो, मैं भी हिंदू हूँ, आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, आप कोई गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते, सबकी इंटेंशन यही है। मेरे ख्याल से घर घर में एक एक बच्चे की इंटेंशन ये होगी। बट अगर आपने एक मूवी देखी होगी डियर जिंदगी, वो हिंदी सिनेमा ही है, उसके अंदर आपको आलिया भट्ट और शाहरुख खान दिख जाएंगे। उसके अंदर एक बड़ा अच्छा लेसन था, किसी को याद है कि नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर लेसन ये था कि अगर हम एक रिश्ते का बोझ एक ही इंसान के ऊपर डाल देते तो ना तो वो दोस्त रहता है, ना पति रहता है, ना बॉयफ्रेंड रहता है, ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो यूजली क्या होता है कि हर एक इंसान एक बंदे के क्लोज जाता है और उससे उसे इतनी सारी एक्सपेक्टेशन रख लेता है कि अल्टीमेटली वो रिलेशन ही खराब हो जाता है। आई थिंक मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम लोग पहले उससे मांगते थे एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और हम लोग उसकी वजह से उसको इन रिटर्न बोलते थे चलो भाई मज़ा आया मज़ा आया मज़ा आया। अब ये मज़ा 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 सज़ा 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 इसलिए बन गई क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो गई है कि तू पॉलिटिकली भी राइट हो, तू रिलीजियसली भी राइट हो, तू हमेशा जो बात करे वो डाकू की ना करे और आज के किसी ज़माने की करे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी सी गधाबंदी वाली मुझे लगने लग गई हैं। अब ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, तो तमीज़ के दायरे में जिसको कोई जवाब देना है इसके बारे में तो दे देना। कुछ लोग हैं जो अपनी चैनल को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं। अब मैं उनका घटिया नाम लेना नहीं चाहता हूँ अपने चैनल के ऊपर, लेकिन ये बहुत घटिया सोच है यार। मतलब अगर कोई फ्यू लोग अगर कुछ गलत हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम पूरी कम्युनिटी को ऐसे कर दोगे यार। ये बहुत गलत बात है कि मतलब आप हजार जनों की मेहनत को खराब कर दोगे कि एक किसी ने टीका लगा के विलन कैसे बन गए। कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो, मतलब एक सिंगल आउट क्या किसी चीज को आप कर सकते हो? पूरी मूवी का क्या क्रक्स है, क्या भावना है वो देखो। पता नहीं क्या क्या मैंने सुना है आज, तो अमिताभ बच्चन ने ब्रह्मास्त्र के अंदर ऐसी लुक क्यों रखी भाई, तू बन जा क्रिएटिव डायरेक्टर। बहुत अजीब है ये कॉन्वर्सेशन सुनना, बहुत अजीब है। अगर आपको अपना रिलीजियस मुद्दा कुछ लेके जाना है तो आप रिलीजियस गुरु बन जाओ ना यार, वहां पर ये चीजें फैलाओ, बच्चों को सिखाओ, स्कूल सिस्टम में चीजें लेके आओ, जो करना है करो। ये एक्सपेक्टेशन हिंदी सिनेमा से क्यों होनी शुरू हो गई है आपकी स्पेसिफिकली? तब तो आपका मतलब कोई भी मुंह या जबान ने लड़खड़ाई जब RRR के अंदर रामचंद्र जी के कपड़े लेके ये चरण भाग जाता है और वो दूसरे राम को पहना देता है। तब रामचंद्र जी ने क्या पहने हुए थे कपड़े? ये हमारी सभ्यता में है कि मंदिर के कपड़े चोरी करके किसी और को पहना दो और जो भगवान है उन्होंने कोई कपड़े ही नहीं पहने हुए। नहीं, क्या मतलब बकवास है क्या ये? मतलब अगर हम किसी चीज की लार्जर भावना में जा रहे हैं कि एक इंसान के अंदर साक्षात रामचंद्र आ गए, हमें ये भावना है, ये भावना नहीं है कि कोई कपड़े लेके भाग गया।
तुम अपना आप ढूंढ रहे हो कि यार अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्यों किया, किसी ने टीका लगा के कुकर्म क्यों कर दिए, ये कर दिए वो कर दिए, इतनी बकवास, इतना नेगेटिविटी, मतलब यू नीड मेडिसिन यार सीरियसली। आपका क्या सोचना है सब के बारे में? आप लोगों को पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ वैसे तो। आपका क्या मानना है जरा कॉमेंट करके बताओ यार।